हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये फ्लिपकार्ट से एक फ़ोन ऑर्डर किया था, इन्फिनिक्स नोट 12 आई, और ये मुझे विद इन 3 डेज़ में डिलीवर हो गया है। तो अब मैंने इसे भी अभी तक ओपन नहीं किया, मैं आप सबके सामने ही इसे ओपन करने चाह रही हूँ। आप देख सकते हो अंदर ये कुछ इस तरह की ब्लैक पैकेजिंग में आता है और बॉक्स में सिर्फ ये गत्ते होते हैं। आई थिंक ये इसके सेफ्टी के लिए, ताकि फ़ोन अच्छे से सेफ रहे। इसके बाद ये फ़ोन है मेरा, हाथ में देखने में बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था और ये ब्लैक कलर के पैकेजिंग में था। यहाँ एक पिंक कलर की सील लगी हुई थी, सिक्योरिटी सील। इसे फर्स्ट मैंने ओपन किया, आप देख सकते हैं बॉक्स के पीछे इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखे हुए हैं, और जो बॉक्स पे MRP थी वो ऑलमोस्ट 13,000 लिखी हुई थी, लेकिन मैंने इसे 13,000 में नहीं मंगाया, मैंने इसे ऑलमोस्ट 8,300 समथिंग में कुछ मंगाया। मैं यहाँ आपके लिए स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। और ये इसका रैपर ओपन करते वक्त, तो आप देख सकते हो ऊपर एक एज़ यूजुअल जो नॉर्मली फ़ोन के प्लास्टिक लगी रहती है, फिर यहाँ पर 2 सील लगी हुई थी, और यहाँ पीछे देख सकते हो। सबसे मेन बात यह है कि अंडर 8,300 ये एक सुपर एमोलेड फ़ोन है। तो मैं आपको इसे यूज़ करके भी बताऊंगी, अभी तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट व्यू मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप देख सकते हो ये फ़ोन खोल के अंदर जो था ये सबसे ऊपर फ़ोन रखा हुआ था, और मैंने जो कलर मंगाया है ये मैंने एल्पाइन वाइट कलर मंगाया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और इसके नीचे सिर्फ आपको ये 33 वॉट का एक फास्ट चार्जर दिया हुआ है, और ये टाइप सी का एक डाटा केबल दिया हुआ है, और एक सिम इजेक्टर टूल दिया है। इसके साथ ये एक एक्स क्लब का कार्ड भी दिया हुआ है, जो कि मैंने यूज़ किया और ये किसी काम का नहीं था, फालतू था ये। और इसके साथ एक केस दिया हुआ है, सिलिकन केस, जिसकी क्वालिटी ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, कुछ दिन तक लगा सकते हो। और फ़ोन पे देखोगे तो आप ऑलरेडी इसमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, ये मत सोचिएगा टेम्पर्ड है, इस पर एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है। अब पीछे से देखने में ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और सामने से भी अब इसको ऑन करके देखते हो, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।